अरे मैडम जी आइए, वेलकम वेलकम, आइए चलिए। हटो भाई। भाऊ म्यूजिक प्ले करें? ए चुपचाप उधर खड़ा रहे। जी जी भाऊ जी। बहुत अच्छा लगता है हम आर्टिस्ट को जब आप लोग हमें किसी फैमिली फंक्शन में बुलाते हैं और इस तरह बिल्कुल एक परिवार के सदस्य की तरह ट्रीट करते हैं। आज निखिल जी की पार्टी में आके आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। अरे कल निखिल जी की शादी है तो इनके लिए एक बार सब लोग ताली बजाओ। फोटो नहीं लेंगे निखिल जी? निखिल भाई क्या तुम्ही पण याना दादा? मात्री जी एक बार फिर आपको शादी की ढेर सारी बधाई। ऑल द बेस्ट। उठ, उठ। जी भाऊ। हाँ। थैंक यू। भाऊ अजीब सी बेचैनी हो रही है। मेरा रोहित ठीक तो है ना? क्या हो रहा है ये? रवि को फोन करती हूँ। मैडम पता नहीं सर कहाँ चले गए, 4 घंटे से ढूंढ रहा हूँ पर सर का कुछ नहीं पता। एक गली में गए और मुझे बोला कि तू गाड़ी में मेरा वेट करना, लेकिन पता नहीं सर कहाँ चले गए। मैंने उनको कितने फोन भी किए लेकिन सर ने फोन भी नहीं उठाया। हर दरवाजे पर पूछा लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। ऐसे ऐसे कैसे चला गया? नरेन 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 उठो प्लीज, उठो एक मिनट नरेन। क्या हुआ नरेन? रोहित नहीं मिल रहा है और उसका फोन भी नहीं मिल रहा है। प्लीज चलो, हमें अभी के अभी पूना जाना होगा। अरे पूना इतनी बड़ी जगह है, कोई बिना किसी इंफॉर्मेशन के कहाँ जाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे? हम ढूंढ लेंगे नरेन, हम ढूंढ लेंगे। तुम उठो तो सही, हमें अभी के अभी पूना जाना है। प्लीज कम बिना, सब मेरी गलती है, उसे जाने नहीं देना चाहिए था मुझे। अरे आकाश रवि को फोन लगाओ ना। हाँ हाँ भैया वही ट्राई करूँ। सर यहाँ बहुत तेज बारिश है। आप मुंबई से मत निकलिए, आप फंस जाएंगे। मैं तो बोलता हूँ कि आप सुबह आइए। हेलो हेलो दीदी दीदी। हाँ मैं मुंबई में आपका शो देखने जरूर आऊंगी। पक्का आना, मैंने नंबर दिया है ना। हाँ एक मिनट जी नेत्रा जी।
अरे यार सोना कहाँ हो तुम? मैं कब से फोन कर रही हूँ। आप टेंशन मत लो, यहाँ सब कुछ ठीक है, सब हो गया है, बस मैं निकल रही हूँ, डायरेक्ट सेट पे मिलती हूँ। तुम यहाँ की टेंशन मत लो, यहाँ सब कुछ ठीक है, अंडर कंट्रोल है। तुम अपना ध्यान रखो और आराम से कल सुबह आना, ठीक है? ओके ठीक है, थैंक यू, कल मिलती हूँ। ओके थैंक गॉड। चलिए शंकर। तुम हत्री जी, मैंने यहाँ आके हमारे बीच का हिसाब पूरा किया। अब उम्मीद करती हूँ कि आप भी पूजा के फोटोज और वीडियोस डिलीट करके अपना वादा पूरा करेंगे। जरा देखिए कानू को, कितनी इज्जत करती है वो आपकी। कैसा लगेगा उसे जब उसे पता चलेगा कि उसके बाबा एक मासूम लड़की के साथ हुए हादसे को इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, और एक बात, मुझे दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। दीदी, मेरी गलती नहीं है। अरे ये सब छोड़ो, जाओ देखो वो ठीक है कि नहीं है। दीदी, ओ भाई साहब, भाई साहब ठीक तो हो ना? भाई साहब कहीं कहीं लगी तो नहीं ना आपको? कौन था, ठीक है या नहीं? दीदी बेवड़ा है वो, पी के रास्ते में भटक रहा है। ओ। अभी जरा संभाल के चलाओ तुम। जी दीदी। क्या दीदी? रोहित, रोहित जी, क्या हुआ दीदी? संभाल के दरवाजा बंद, जल्दी जल्दी। हाँ चलो गाड़ी स्टार्ट करो जल्दी से।